आठ से चलते चले दिखाइए पहले बिहार के बंधक बचाने के लिए। सर ये हमारा घोड़न तुरवा है सर, ये एली कसौली है, इन गाँव में सर पटा में काफ़ी गिरफ्तार हुई थी। इनको बचाने के लिए सर ड्रेजिंग कोऑर्डिनेट बनाई गई 11.5 सर। इसका पॉइंट वन ये है सर, ये हमारी अप स्ट्रीम है घाघरा का, यहाँ से लेकर के और ये नया चरण सर हमने डेवलप किया हुआ है। इसका पूरा एक्सप्रेशन काम हो गया सर हमारा, इस समय 0.7 से 8 के बीच में सर ड्रेजिंग का काम हमारा चल रहा है कुछ, और इधर का भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग 1 किलोमीटर काम अभी है सर होना है। पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ का काम चल रहा है और पहली बार बाढ़ के काम को बहुत समय से शुरू किया गया है। समय से बरसात से पहले हम लोग काम को पूरा करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में जो 42 जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं उन सब जिलों में सुरक्षात्मक कार्यक्रम बहुत तेज़ी के साथ चल रहे हैं। 2014 और 15 में बाढ़ से 15 लाख हेक्टेयर ज़मीन लगभग प्रभावित होती थी, आज 1200 हेक्टेयर पर हम लोग उसको ले आकर के खड़ा किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समय से धन दिया है और निर्देशित किया है कि कहीं पर भी बाढ़ के कार्य में कोई गड़बड़ी ना होने पाए, उसी के निरीक्षण के लिए मैं निकला हूँ और इसलिए बरसात से पहले सभी जिलों में जाकर के हम बाढ़ के बचाव कार्यों को देख रहा हूँ और उनको लगता है कि उससे बहुत बड़ी राहत जनता को मिलेगी। जनहानि, धनहानि, पशुहानि और ज़मीन का कटाव जो कुछ भी बाढ़ से होता था उसको सबको रोकने में उत्तर प्रदेश सरकार कामयाब होगी। सर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, हर वर्ष सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन बंधे का जो धंधा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इस पर कोई लगाम क्यों नहीं लग रही है? देखिए, हर वर्ष ये बंधा जब बना था तो अलाइनमेंट इसका कुछ गड़बड़ हुआ था, दूसरी सरकारों ने उस समय जो काम कराया था हम लोग काफ़ी हद तक ठीक किए और इसका परिणाम ये रहा कि पिछले वर्ष आपने देखा होगा कि जब आसाम में, बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में चारों तरफ बाढ़ आ रही थी तो उत्तर प्रदेश सुरक्षित जोन में था। इन कार्यों के कारण से हम लोग सुरक्षित जोन में थे। 24 दिनों तक पिछली बार घाघरा जो है खतरे के निशान से ऊपर भी थी। 5.5 लाख क्यूसिक पानी जो है मीटर पानी डिस्चार्ज हो रहा था, उसके बावजूद भी हम पूरे उत्तर प्रदेश को बचा पाए थे और पूरे उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन में एक भी स्थान से खबर नहीं आई कि कोई भी जनहानि हुई है, कोई धनहानि हुई है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बरसात हर बार होती है और घाघरा जैसी नदी कटान करती है, उसका सुरक्षात्मक कार्य हर साल कराना पड़ता है और उस काम को हम सब लोग कराते हैं। तो कुल मिला के इस बार सही माना जाए कि ग्रामीणों को बाढ़ का दंश नहीं झेलना पड़ेगा? निश्चित रूप से हमारी पूरी कोशिश होगी, बाकी प्रकृति से कोई नहीं लड़ पाता है लेकिन कोशिश हमारी पूरी है कि हम सब लोग अपने इस प्रदेश की जनता को पूरी तरीके से बचा पाएँ और उनको किसी प्रकार से बाढ़ का दंश न झेलना पड़े, उसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और इसीलिए प्रत्येक जिले में मैं जा रहा हूँ। अभी मैं 9-10 जिले करके आया हूँ, अब मैं इधर निकला हूँ आज और यहाँ से लेकर के गोरखपुर तक के सभी जिलों को मैं देखूँ। थैंक यू।